हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देखते हैं डीआईवाई क्राफ्ट मैजिक, मैं हूं नीलम। तो आज आपके साथ ये पेपर फ्लावर बनाना मैं बताऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए देखिए, मैंने स्क्वायर शेप मैंने 4x4 पेपर लिया है यहाँ पर रेड कलर का। आप अपने पसंद के अनुसार कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इसे इस तरह फोल्ड करके और ट्रायंगल शेप में इस तरह हम कर लेंगे, और इसे इस तरह ट्रायंगल शेप में ही करते हुए फोल्ड करते रहेंगे। ध्यान देना है आपको कि किस तरह फोल्ड किया है मैंने। इसे एकदम से छोटा कर लेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरह। अब इसे और फोल्ड नहीं करना है। अब यहाँ स्केच से, पेन से या मार्कर से आप इस तरह का निशान लगा लीजिए, जिस तरह की मैं बता रही हूँ। इस तरह निशान लगाना जरूरी है क्योंकि कटिंग करने में आसानी होती है। और यहाँ पे जो मैंने ये पार्ट लगाया है, चौड़े चौड़े पार्ट है, उसको छोड़ के बाकी सारे पार्ट को कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये सारे चीज़ों को कट कर लेना है, ये और ये और ये। इस तरह चार बार मैंने कट लगाया है इसमें। अब इसको खोल लेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप इसे कट कर सकती हैं। स्कूल प्रोजेक्ट में आपको काम आ सकता है या घर के डेकोरेशन में भी। तो इस तरह ये देखिए फ्लावर बनके बिल्कुल तैयार है। 10 से 15 सेकंड लगेंगे इस फ्लावर को बनाने में। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए किसी नए वीडियो के साथ फिर